बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मौसम बहुत प्यारा है, मैंने सोचा क्यों ना शाम की चाय के साथ पकोड़े बनाए जाएं। जी जनाब, तो आज मैं बना रही हूँ प्याज के रिंग शेप में पकोड़े। ये देखिए, इस तरह हमने इसको काट लेना है रिंग शेप में। यहाँ मैंने 2 अदद प्याज ली है और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर लिया है और मैं यहाँ पे क्रिस्पी फ्राई यूज़ कर रही हूँ। मैं ब्रेड क्रम्स में डालूँगी, ये आपको इजीली लोकल मार्केट में अवेलेबल होगा। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने सिया मिर्च का पाउडर लिया है। हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम ये अपना मैदा और कॉर्नफ्लोर वाला ये मिक्सचर बना लेते हैं। चले जी जनाब, तो हम अपने बाउल में 1 कप मैदा डालेंगे, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1/2 स्पाइसेस थे ये डालेंगे अब पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। हल्का हल्का पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। चले जी जनाब, देखें तो ये हमने अपना ये वाला मिक्सचर बना लिया है। ये इतना थिक होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये हमारे जो ये ब्रेड क्रम्स हैं इसमें हम ये अपना क्रिस्पी मसाला ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून बस। अब इसको मिक्स कर लेंगे इसमें ब्रेड क्रम्स में। जनाब, तो तेल गरम हो गया है, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये एक प्याज लेनी है, हमें ये इस मिक्सचर में डालनी है ऐसे, फिर इसको कांटे की मदद से इसको ऐसे उठाना है, इसको इसमें डाल के जो हमारे ब्रेड क्रम्स से ऊपर से इसको ऐसे कर देना है ताकि सारे ब्रेड क्रम्स इस पर ईजी चिपक जाए। ये देखिए, ठीक है जी। अब इसको हम तेल में डालते हैं। तो ये देखिए, हमारे ये पकोड़े रेडी हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए जी, ठीक है, इनको हम निकाल लेते हैं। हाँ जी जनाब, तो ये हमारे प्याज के पकोड़े रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग भी इसको मस्त ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।